यूपी पंचायत इलेक्शन 2021 आपको बता दें, यूपी के सभी ग्राम प्रधान उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही कि इन शर्तों को करना होगा पूरा, वरना नहीं लड़ पाएंगे ग्राम प्रधान का चुनाव। तो चलिए जानते हैं कि किस तारीख से होंगे चुनाव, कौन कौन लड़ सकता है चुनाव, क्या शैक्षिक योग्यता है जरूरी और पंचायत चुनाव का क्या है पूरा प्रोसेस। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार और राज्य चुनाव आयोग ने जोरों शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक की आरक्षण सूची जारी की जा चुकी है। ऐसे में प्रत्याशियों के मन में भी हिलोरे उठने लगे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको पहले चुनाव लड़ने का अनुभव है, लेकिन कई युवा भी हैं जो गांव की किस्मत बदलने के लिए प्रधान बनने की ख्वाहिश रखती हैं। लेकिन चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों को कुछ बातें जान लेना जरूरी है। कुछ ऐसी शर्तें हैं अगर उम्मीदवार पूरा नहीं करते हैं जो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी शर्तें, कौन कौन लड़ सकता है चुनाव। तो आपको बता दें, ग्राम प्रधान बनने के लिए कुछ योग्यताएं जरूरी है। नंबर एक, कम से कम 21 साल की उम्र होना चाहिए। नंबर दो, भारतीय नागरिक होना चाहिए। नंबर तीन, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। नंबर चार, सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जो यूपी पंचायत चुनाव में चर्चा में हैं। अगर प्रत्याशी सरकारी समितियों के बकायेदार हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ने से पहले किस्त अदा कर न्यूडूज देना होता है। इसके अलावा जो प्रधान अभी तक अपने खर्च का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं, वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ब्यौरे के मामले में अंतिम फैसला अधिसूचना जारी करते वक्त लिया जाएगा। क्या शैक्षिक योग्यता भी होगी जरूरी? तो चलिए आपको बता दें कि भारत में पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यताएं लागू करने की चर्चा लंबे समय से चल रही है। कई राज्यों में ग्राम प्रधान चुनाव के लिए शैक्षिक योग्यता तय कर दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी कुछ ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश कम पढ़े लिखे प्रधान उम्मीदवारों को लेकर चर्चा चल रही थी, हालांकि सरकार ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। चलिए अब जानते हैं कि क्या है चुनाव लड़ने का पूरा प्रोसेस। तो आपको बता दें कि गांव में हर 5 साल के बाद ग्राम प्रधान पद के चुनाव कराए जाते हैं। सबसे पहले राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को अपने लिए अपनी स्वीकृति देता है। इसके बाद आयोग अधिसूचना जारी करता है। अब प्रधान को चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति अधिसूचना के कैलेंडर के अनुसार पर्चा दाखिल कर सकते हैं। अगर पर्चा सही भरा गया है तो निर्वाचन कार्यालय की ओर से चुनाव चिन्ह दिया जाता है। इसके बाद सभी प्रत्याशियों को अपने लिए प्रचार करने का समय भी दिया जाता है। सबसे अधिक वोट पाने वाला ग्राम प्रधान बन जाता है। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बता दें कि आरक्षण को लेकर अपनाई गई ये प्रक्रिया कल ही उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग ने आरक्षण नियमावली से जुड़ा शासन आदेश जारी कर दिया था। चुनाव में रोटेशन व्यवस्था से रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि आरक्षण लागू करने में 1995 से अब तक पिछले 5 चुनावों का संज्ञान लिया जा रहा है। सबसे पहले वहां आरक्षण लगाया जाएगा जहां पहले आरक्षण नहीं लगा, यानी जो पद पहले कभी आरक्षण नहीं हुए उन्हें वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा पिछले 5 चुनावों में वो पद जिस किसके लिए आरक्षित थे उसका संज्ञान लिया जाएगा।